आनंद कहाँ मिले ना जल्दी ले। अरे गर्म पानी पी लो ना बाबू। इसको बोलना तो कर। पीला मार दिया। बीड़ी 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 बीड़ी। हाँ। अब जा। अरे काका। अरे कहाँ भैया? कहाँ जा रहे हैं तुम सब? भैया कहाँ जा रहे हैं? सोच के। अरे कौन? कहाँ जा रहे काका? अरे भैया सोच के नारे जा रहे, खुले में खेत में हो वे। अरे काका बोते भ्रष्ट हो गए क्या? काय भ्रष्ट हो गए भैया? मैं समझ में नहीं आता, खुले में सोच करोगे? बोलो हाँ। हाँ बोलो। मक्खी बैठेगी? बोलो हाँ। मक्खी बैठेगी तो उससे हम क्या करें? अरे वही मक्खी तुम्हारे घर में जाएगी? बोलो हाँ। का जरूरी है कि वही मक्खी हमारे घर में जाएगी? वही मक्खी तुम्हारे खाने में बैठेगी और वही खाना फिर तुम खाओगे। अरे भैया जो सुबह से तुम का बात कर रहे हैं। हाँ और क्या है, खुले में सोच करोगे गंदगी होगी, बीमारी होगी और तुम्हारे घर का बच्चा बीमार हो जाएंगे, साथ में तुम भी। अरे वाह 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 चाचा। अरे हट, एक तो बीड़ी पी रहे हो। अरे भैया बहुत तेज प्रेशर बन गए। एक तो तुम बीड़ी पी रहे हो। सुनो भैया अब हमारी बात सुनो, ठीक है ना? ऐसे खड़े हो और देखो ना, हमारे घर में मक्खी जाए और न हमारा लड़का बीमार हुए। हमारा लड़का है बहुत बड़ो हष्ट पुष्ट है, ठीक है ना? और जैसा फालतू की बात नहीं, हम छोटे से कोई खेत में सोच कर भी जा रहे हैं और आज भी हम उतर ही जा रहे हो। खोले का आनंद तुम का जानो बाबू। खोले का आनंद तुम्हें जानना पड़ेगा। क्यों? बहुत बीमार हो गया, तुम्हारे परिवार वाले बीमार। अच्छा भैया सुनो, ये फालतू की बात छोड़ो, आए कहाँ से रहे? निकल लो मरो तुम। बहुत हल्को लगो। अरे बापू। अरे वाह कलुआ। हाँ बापू कहाँ घूमत रहते? अरे हम सुन रहे थे वो चाचा तुम्हें चिल्ला रहे हैं। अरे काम कर, मुखारी लिया था ना मंजन कर लो। चाचा बोलते रहे सर, वही काम की बात। अरे यार तुम सुना नहीं हमारी ना, मुखारी मुखारी कर लेंगे सवेरे से फालतू हल्ला नहीं कर। और मामा कहाँ गई? वो पता ही नहीं रहा बिल्कुल। पानी कर दे।
अरे का चाचा सटिया गए हो बुढ़ापे में? सटिया गए हो मतलब? अरे बुढ़ापे में पगलिया गए हो का? लिखा रोड पे तू कर रहे हमारे? अरे तो भैया कौन निकल रही है रोड से? निकलो भैया, ऐसे से निकल गए तुम भी निकल जाते। सार्वजनिक रोड है, जहाँ से नहीं निकले तो कहाँ से निकले? ड्यूटी सार्वजनिक है, लिखवा लेते कि हमारी बाप की रोड है। अरे तो ये तुम्हारे बाप की भी नहीं है लेकिन ये सरकारी संपत्ति है भैया। जे मेरा घर है और जे मेरी रोड में थू। अरे 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 कल में कहा है तुम्हारे बाबू को समझाओ समझाओ। जब भैया तुम्हें ऑफिस जाने तुम दूसरी रास्ता चले जाते, जरूरी है कि तुम ऐसा ही आते का? अरे तो ये कोई तरीका होता है रोज सुबह तुम यहाँ? अरे क्या हो गया भैया, क्या हो गया? अरे ये कलवा का पापा देखो भैया, हम बता रहे हैं उनका बताओगे रोज सुबह यहाँ? सुनो भैया, सुनो भैया, कलवा को पापा को समझाना मतलब दीवार में सर फोड़ना है। हम सुबह भी समझा रहे थे, नहीं मानते। सुनो सुधर जाओ, इस उम्र में बुरा होगा। इतना मारेंगे ना इस उम्र में, हड्डियां भी नहीं जुड़ेंगी तुम्हारी। अरे फालतू बात नहीं करना हमसे। सही बात है, जाओ अपने पापा को बताओ। चलो निकलो दोनों, चलो अरे बूढ़ा आदमी समझ में नहीं आता है। चार अक्षर का पढ़ ले तो बाप के पढ़ा दे घर में। इनको काम आई है घर के फोड़ दो और दूसरे घर के जोड़ दो। भाई चोरा कर रही हूँ बाजू बैठ के। पूरा दिन क्या करे ऐसे लड़का भी वैसे वैसे जो की माता आ रही। अम्मा खाना खिला तो भूख लग रही है। खाना ही का है एक और। हाँ और अच्छे से पहुंचा हाथ थोड़ी हुई साड़ी में अपनी तो दिया का तो पहुंचा बना रही है बिल्कुल। बापू को दे दो नहीं तो भी चलना है। बापू को कहाँ है, दोनों महतारी बेटा यही तो कर रहे हो। चले खाना का खा लो, चालो बोलो पहले लड़का खा लो। खाओ मार खा लो। कैसे खा है तो गोबर की बदबू आ रही है। गोबर की एक ही लाड लो लड़का होगा, तुम गोबर खिला रही हो इतने टाइम से तो यही खवा खवा के बड़ो कर रहे हैं। अब कह रहे गोबर की बदबू आ रही है। जब देखो जब अपनी साड़ी में पहुंचा था तो इसे बना के दो। चलो अपना काम करो तुम। बाबू तुम पैसा दो, बाहर कहां है? पैसा दे दो, पैसे का पेड़ भरा थे का? नहीं है पैसा? बाबू दे देना बाबू। नहीं है पैसा? बाबू क्या दे रहा है? दूर करो। सुनो और 5 रुपये दे हैं मतलब 10 दे हैं। 5 रुपए तुम अपने खर्चे गिनाने और 5 रुपए गिनाने हमारी बड़ी मां से सजा कल कत्ते बड़ी लाने हो। ठीक है ठीक रहे दादा। हम निकाल दे बापू। ए हम दे रहे ना तने, रुक तो जाओ बेजा गड्डी फंसी है ना थोड़ी दूर। दादा चेन में भी तो 10 को रखो ना। हां ले चल जा। ठीक है बापू तुम 2 रुपए तो और दे दो, टॉफी भी ले ले। हां काम का 10 को ले। रुक जा रुक जा। इस्तेमाल कर रहे हैं ना आप लोग, इसके कारण हमारी नर्मदा मैया इतनी प्रदूषित होते जा रही है कि जो पीने लायक जो अपना पानी होता रहा ना वो आज प्रदूषित पानी हो गया है पता है। और वही पानी अपने घरों में आता है उसी का पानी अपन लोग पी रहे हैं। अगर आज जानवर के जी हाल है तो कल अपने हाल भी यही होंगे। तो भैया नर्मदा मैया को दूषित ना करें। माफ करो भैया, पता है तुम्हारी श्रद्धा भक्ति। और दूसरी चीज भैया, अभी भी कोई चीज अपन यहाँ विसर्जन करने आते हैं ना, तो जैसे अपने घर में कोई ऐसी सामग्री हवन सामग्री हो गई, पूजन सामग्री कुछ भी ऐसी जो विसर्जित करने वाली है तो आप उसको नदी में ना विसर्जित करके उसमें हल्का फुल्का नर्मदा मैया का पानी छिड़क के उसको डस्टबिन में डाले जो वहाँ पे कचरा घर बनाया गया है जिसमें आखिर पुण्य नहीं मिलेगा ना। भैया आपसे शपथ ले लो हमें नर्मदा मैया को दूषित नहीं करना है। ये आप लोग जो नशा पानी कर रहे थे ना इसकी भी शपथ ले लो भैया कि नशा पानी नहीं करना है, क्योंकि नशा नाश की जड़ है और खुद की खोदी खबर है। ठीक है भैया? तो भैया समझ में आओ कि नहीं आओ, सबसे पूछ लो तो एक बार घूम के। तो भैया समझ में आओ, समझ में आओ आपके नशा करना। भैया अगर इन सब चीजों में लापरवाही करोगे तो लापरवाही का रंग देखा पल पल बदलता है।